जब भी 1 रुपये का गांधी जी वाला वो नोट देखते हैं तब शिबा इनू कॉइन की यादगिरी भी आ जाती है, क्योंकि हमने भी सोचा हुआ है कि शिबा इनू कॉइन इसी गांधी जी के 1 रुपये तक पहुंच जाए और हम यहाँ पे माला माल हो जाए। इसके ऊपर हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं और क्या शिबा इनू कॉइन के ऊपर गांधी जी की कृपा होगी और क्या शिबा इनू कॉइन आप तमाम दोस्तों को माला माल बना सकता है। वीडियो के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने मीम टीच को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की जानकारी यहाँ पे पड़ी होती है जो कि आपको उठाने की जरूरत है और आपको वीडियो देखने की जरूरत है। सबसे पहले यहां पे एक न्यूज निकल के आई है ब्लॉकचेन फ्यूचरिस्ट कॉन्फ्रेंस से जो कि शिबा इनू कॉइन के बारे में, और यहां पे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ब्लॉकचेन फ्यूचरिस्ट कॉन्फ्रेंस के वहां से ट्वीट करके बता दिया गया है कि भाई साहब शिबा इनू कॉइन हमारा ऑफिशियल पार्टनर है जो कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्पॉन्सर किया गया है। यानी कि शिबा इनू कॉइन को बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा स्पॉन्सर करना और शिबा इनू कॉइन की फेम का फायदा उठा के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, जो कि शिबा इनू कॉइन इससे काफी ज्यादा फेमस तो हो रहा है लेकिन इससे यह भी साबित हो रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह शिबा इनू कॉइन होने वाला है, जो कि इथेरियम के बाद काफी ज्यादा अच्छी ब्लॉकचेन डेवलप करने में कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है। उसी के साथ शिबा इनू कॉइन को आए दिन कंपनियों के द्वारा एडॉप्ट किया जा रहा है और यहां पर रिसेंटली अपडेट निकल के आ रही है कि यहां पर जो है वो लकी रो कैसीनो के द्वारा शिबा इनू कॉइन को एडॉप्ट करने की बात की जा रही है। अगर आपने इस गेम को नहीं खेला है तो अगर आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के द्वारा अगर शिबा इनू कॉइन को सपोर्ट किया जा रहा तो ऐसे में ये भी शिबा इनू कॉइन के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है। उसी के साथ यहां पे आप देख सकते हैं कि न्यू वेस ने 4 ट्रिलियन कॉइंस को परचेज किया, जिसकी वजह से 6% शिबा इनू कॉइन ने गेन दिखाया। अब इस यहां पे 4 ट्रिलियन की परचेजिंग के बाद ये चीज क्लियर हो चुकी है कि शिबा इनू कॉइन को वेस के द्वारा दोबारा से मैनिपुलेशन के अंदर भी डाला जा रहा है, जो कि शिबा इनू कॉइन की प्राइस के ऊपर भी आने वाले फ्यूचर के अंदर काफी बड़ी इंपैक्ट डालने में काफी बड़ी भूमिका भी निभा सकता है। उसी के साथ यहां पे आप देख सकते हैं 4.7 बिलियन शिबा इनू कॉइन को ट्रांसफर किया गया। उसी के साथ शिबा इनू कॉइन को बूस्टअप करने के लिए प्राइस को काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करने के लिए बर्निंग भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि शिबिनम ब्लॉकचेन के बाद आपको देखने को मिलेगी। शिबा इनू कॉइन का टेक्निकल स्कोर काफी ज्यादा बुलिश है, शिबा इनू कॉइन के अंदर अभी तक भी काफी ज्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है और यही रीजन है कि शिबा इनू कॉइन आपको काफी ज्यादा माला माल भी बना सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि 1 INR कब तक यहां पर पॉसिबल है, तो ऐसे में भाई साहब देखो शिबा इनू कॉइन की अभी तक बर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है और ट्रिलियंस की क्वांटिटी के अंदर कॉइंस की सप्लाई को बर्न करना होगा, तब जाके शिबा इनू कॉइन बड़े बड़े माइलस्टोन को अचीव कर सकता है। और यहां पे जिस तरीके से डेवलपर टीम के द्वारा बताया जा रहा है कि बर्निंग जो है वो लाइफ टाइम के लिए चलती रहेगी, यानी कि कभी भी शिबा इनू कॉइन की ब्लॉकचेन आने के बाद बर्निंग बंद नहीं होगी जब तक शिबा इनू कॉइन मुकम्मल तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। तो ऐसे में जब शिबा इनू कॉइन की ट्रिलियंस की सप्लाई बर्न होती रहेगी तो शिबा इनू कॉइन का ट्रेडिंग वैल्यू भी जनरेट होगा, पॉपुलरिटी काफी ज्यादा है, ब्लॉकचेन भी अच्छे खासे तरीके से डेवलप की जा रही है, तो शिबा इनू कॉइन के अंदर भाई साहब फेम तो काफी ज्यादा है, तो इस वजह से वॉल्यूम भी आएगा और इस कॉइन के अंदर पूरा जो है वो स्ट्रांगली एक यहां पे फंडामेंटली जो है वो सिस्टम बन जाता है जो कि इस कॉइन को बूस्टअप करने में भी कारगर साबित होगा। और मैं समझता हूं कि ब्लॉकचेन आने के बाद शिबा इनू कॉइन 1 INR क्या उससे आगे भी जा सकता है, बाकी आपका ओपिनियन लाजमी बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और आने वाली छोटी से लेकर बड़ी अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, हमें जात हरे कृष्णा।